भारतीय रेल की पहली 24 LHP कोच ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस प्रयागराज नई दिल्ली स्पेशल 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जा रही है। प्रयागराज से ओरिजेंट होने वाली इस गाड़ी के अतिरिक्त उत्तर मध्य रेलवे से गुजरने वाली 8 जोड़ी अन्य विशेष रेलगाड़ियों की गति भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जा रही है। 16 जुलाई 1984 से प्रारंभ हुई प्रयागराज एक्सप्रेस उत्तर मध्य रेलवे की प्रमुख ट्रेन है और पिछले 4 दशकों से यात्रियों के बीच लोकप्रिय रही है। 17 वैक्यूम ब्रेक वाले लाल रंग के डिब्बों के साथ इसकी यात्रा प्रारंभ हुई थी और 2003 में 24 कोच नीले रंग के एयर ब्रेक स्टॉक में बदल दिया गया था और 16 दिसंबर 2016 से इसका परिचालन 21 कोच वाले नवीनतम LHP रैंक के साथ किया जाने लगा। इस ट्रेन की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे 18 दिसंबर 2016 को 22 कोचों और 15 मई 2017 से 23 कोच और 2 सितंबर 2019 से इसे अधिकतम 24 LHB कोच तक बढ़ा दिया गया। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि अनुरक्षण और ऑपरेटिंग कर्मियों के अथक और समर्पित प्रयासों के बिना संभव नहीं था और उनके योगदान के सम्मान के लिए प्रयागराज जंक्शन पर एक विशेष सम्मान सह प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गाड़ी संख्या 02417 प्रयागराज नई दिल्ली विशेष गाड़ी के प्रस्थान के पहले महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे राजीव चौधरी ने ट्रेन के पहले 130 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा के चालक दल अनुरक्षण वाणिज्य और सुरक्षा कर्मियों का सम्मान किया। सम्मानित होने वालों में लोको पायलट मोहम्मद अरशद खान, ट्रेन के सह लोको पायलट अनिल कुमार तिवारी, गार्ड अरविंद तिवारी, ट्रेन कैप्टन PP पांडे, ट्रेन पर कार्यरत COW टेक्नीशियन देवदत्त सोनी और RPF हेड कांस्टेबल नित्यानंद राय शामिल है। प्रयागराज एक्सप्रेस को 130 की रफ्तार से पहली यात्रा के लिए रवाना किया गया है तो आज मंडल ने और रेलवे ने सोचा कि जो स्टाफ पहली यात्रा को लेकर जा रहा है उनके सांकेतिक सम्मान से हम सबको अपने स्टाफ को पहचाने जिसने इसको सफल बनाने में योगदान दिया। उसके लिए छोटा सा है कि हमने एक कार्यक्रम रखा था, उन स्टाफ को अप्रिशिएट किया गया है, उनको मेडल से सम्मानित किया गया है, बाकी स्टाफ को भी सर्टिफिकेट देने का हम लोग सोचेंगे जिससे कि जो सैकड़ों स्टाफ हज़ारों लोग लगते हैं ये ट्रेनों की गति को बढ़ाने में उनको प्रोत्साहन मिले और ऐसे और अच्छे अच्छे काम करके इस शहर को इस क्षेत्र को अच्छी अच्छी सुविधाएँ दे पाए। क्या फैसिलिटीज में बढ़ाई गई है, क्या स्पीड से क्या खाली की गति बढ़ाई गई है आज तो, लेकिन ये 24 LHP कोच से चलने वाली अकेली ऐसी रेल है जो 30 की चली थी। इसके पहले 24 कोच से चलने वाली अकेली LHP ट्रेन थी राजधानी के अलावा जो ये प्रयास करती थी। इसमें जैसे बताया गया कि लोकोमोटिव से सारी बिजली की सप्लाई होती है कोच में, इसमें नए नए वो फीचर लगे हुए हैं जो यात्री सुविधा के हैं। हमने इसको बिल्कुल अपने अच्छे प्रिय पुत्र पुत्री की तरह इस ट्रेन को तकरार करते हैं और स्टाफ जो मेंटेन करता है इसको बिल्कुल इमोशनली अटैच रहता है। तो इसके जैसे बताया ये सबकी प्यारी ट्रेन है, इसके बारे में रिव्यूज हमेशा अच्छे ही मिलते हैं और हमारी कोशिश होती है इसको अच्छे से अच्छा बनाएं ताकि यात्रियों को सुविधा दे सकें। अभी ये नए टाइम से चलेगी, जो गति बढ़ाने का एडवांटेज है वो हम यात्रियों को इसमें दे रहे हैं कि इससे वो एक घंटा देर से अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे यहाँ से भी और दिल्ली से भी, जिससे कि अपने काम आराम से निपटा सकें, रात्रि भोजन कर सकें और आराम से जाकर ट्रेन में आकर सो जाएं और सुबह उठकर दिल्ली में अपना यात्रा कंप्लीट करें। जिस तरीके से कोचे अभी बढ़ेंगे उस हिसाब से 130 की स्पीड से किस तरीके से टाइम तो स्पीड मेंटेन करने के दूसरे ही पैमाने होते हैं। जैसे आप अगर कभी कि आप लोगों ने कोहरे में गाड़ी कार चलाई हो तो जितना दिखता उतना ही इधर चल पाते हैं, तो हालांकि हम लोग सिग्नल से इंडिकेशन दे देते हैं ड्राइवर को मॉडर्न सिग्नलिंग से, लेकिन फिर भी कोई ट्रेस पास करके आ जाए, कोई गाय वाय आ जाए और ऐसी कुछ चीज़ आ जाए जो व्यवधान करती, कई बार लोग रेलवे फाटक का गेट तोड़कर भी गाड़ियों की फंस जाती है रेलवे ट्रैफिक के ऊपर, कई बार गेट खुले भी होते हैं जिससे लोग गलती करते लोग निकलते रहते हैं, वो सब देखने की वजह से हमने स्पीड कम कर रखी है। अगर फॉग होता है
तो गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 75 पर कैप कर दी जाती है। उसके अलावा उनको एक डिवाइस दिया गया है जो उनको बताता है सिग्नल कब आने वाला है, लेवल क्रॉसिंग कब आने वाला है, उससे ड्राइवर थोड़ा ज़्यादा सचेत हो जाते हैं और दुर्घटना से बच पाते हैं। लेकिन ड्राइवर को ये निर्देश होते हैं कि जितने आप स्पीड से कम्फर्टेबल उस लैंग्वेज पर चलो ताकि गाड़ी रोक सको आवश्यकता पड़ने पर। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अचानक एक जानवरों का झुंड आ गया ट्रैक के ऊपर, और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर झुंड बड़ा है तो गाड़ी रफ्तार तेज है, गाड़ी डीरेल भी हो जाती है, तो रफ्तार कंट्रोल करके ड्राइवर चले ये उसको निर्देश होता है। और इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर अच्छा फॉग का सीरियस माहौल है तो हम ये यात्रा जो विलम्ब से होती है यात्रियों की उसके लिए उनको कुछ कैटरिंग का इंतजाम एंड रूट या रास्ते में करा सकें। और कोविड के टाइम में थोड़ा वो चैलेंज है बट कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढने के लिए। सर क्या इन फ्यूचर हम कोचेज और भी बढ़ाएंगे? अभी तो इस कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक कोविड-19 पर जन जागरूकता के लिए एनिमेशन चरित्र गप्पू भैया आधारित वीडियो स्पॉट भी रिलीज किया। उत्तर मध्य रेलवे ने 2019 में एक एनिमेशन आधारित चरित्र गप्पू भैया बनाया था और रेल उपयोगकर्ता के लिए संरक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सार्वजनिक जन जागरूकता एनिमेशन वीडियो की एक श्रृंखला भी बनाई गई थी। बिल्कुल कोई परिवार से